अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तब जो चाहोगे वो पा सकते हो, लेकिन विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा लोगे। भले मैं भी आके आपको बोलूं, फिंग जो शेयर मार्केट का जो बादशाह है, जो शेयर मार्केट से करोड़ों कमाता है, वो भी आपको आके बोलेगा भाई तू ट्रेडिंग में सफल बन जाएगा, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट लेवल है ना बिल्कुल कम हो चुका है। कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे, बिलीव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, भले आपके हालात अभी जो भी हो, कितना से कितना बुरा हालत क्यों ना होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट है, बिलीव है यार अभी बुरा हाल है ना, आगे जाके सही हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, 100% आप कर लोगे, लेकिन बिलीव ही आपको सफल दिला सकता है। देखते होंगे दुनिया में जितना भी अरबपति है, करोड़पति है, वो हजारों बार फेल हुए हैं, लेकिन इसको एक ही चीज सफल दिलाया है, अपने आप पर विश्वास कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि अभी मेरा हालत बुरा हाल है ना, अभी आपको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी स्थिति मेरा खराब है, लेकिन मैं एक ना एक दिन जरूर कर लूंगा। तो विश्वास रखो आपको अपने आप पे। आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आपका ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में आप ईमानदारी से बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, फिर भी इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपको मन में ये आता हो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात बराबर कर दिया ट्रेडिंग में, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं यही बोलूंगा अपने, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, मैं मानता हूँ अगर आप ईमानदारी से काम करते होंगे, अभी आपको रिजल्ट नहीं आता होगा, कॉन्फिडेंट लेवल झुक गया होगा यार मेरे बस के बात नहीं, लेकिन अंदर से विश्वास होगा यार मैं कर सकता हूँ, अभी मेरे को ऐसा लगता है अभी मेरा स्थिति खराब है ना, लेकिन मैं बराबर काम करता रहूंगा तो मैं एक दिन जरूर कर लूंगा। तो कॉन्फिडेंट आपको अपने आप पर रहना चाहिए, झुकना मत देना, क्योंकि झुक जाएगा तो फिर रुक जाएगा, कहावत नहीं कि झुक गया तो रुक गया, तो झुकने नहीं चाहिए। आपको ट्रेडर बनने का सपना है, आप बहुत मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत किया, फिर भी रिजल्ट क्या है, जीरो मिल रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट है, विश्वास है कि अरे चलो ठीक है, अभी मेरा स्थिति ठीक नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, एक न एक दिन जरूर सफलता मिल जाएगा। उस फील्ड का बादशाह बनो, जो फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, उस फील्ड में आप बादशाह बनो, फेलियर से मत डरो, फेलियर आएंगे, क्योंकि आपका सपना बड़ा है तो फेलियर तो जरूर आने वाला है, जितना बड़ा सपना रहेगा उतना बड़ा आपके साथ फेलियर भी आएंगे। और हमेशा विश्वास रखो अपने आप पर कि यार मैं कर सकता हूँ। देखो जितने भी आज देखते होंगे धीरू भाई अंबानी साहब, वो पहले क्या था, पहले वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम किए, लेकिन इसका सपना था कि लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, कॉन्फिडेंट था, विश्वास था, तभी तो हुआ। वो धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो ग्रो किया, और उसको सपना था उसको हाई लेवल पर ले जाना, विश्वास था, तो वही विश्वास, ऐसा नहीं कि उसके साथ फेलियर नहीं मिला, हजारों बार फेलियर उसके साथ भी हुआ था, कभी उसको हजारों बार फेलियर हुआ, लेकिन उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंट था, यार मैं कर लूँगा, भले ही मेरे अभी मेरी स्थिति खराब है जो भी है, लेकिन मैं कर लूँगा। तब अभी देखो कहाँ पे है, जैसे एलन मस्क दीजिए, वो हजारों बार वो फेलियर हुआ, एलन मस्क हजारों बार फेलियर हुआ, वो आप लोग शायद उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, कई बार वो फेलियर हुआ, कभी बार ही मतलब करोड़पति से करोड़पति में कई बार वो गिर के आ चुका है, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास था यार मैं कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस को इजीली कर सकता हूँ। देखो आप लोग जितना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जो काम कर रहे हो ना, आपको फेलियर मिल रहा है ना, तो आप और सीख रहे हो यार इस गलती के कारण क्या ये हाल हुआ, अब वो गलती को नहीं करेंगे। तो अब अगर बार बार उसमें फेलियर हो रहे हैं तो आप इस फील्ड के मास्टर बनते जा रहे हो, एक दिन क्या होगा वो गलती ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आपका काम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रेडर बनने का सपना है आपको, आप बोल रहे सर मैं बहुत मेहनत किया, भाई मैं बहुत मेहनत किया, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, लॉस पे लॉस हो रहा है, लेकिन ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ सीख लियो, सब कुछ हो रहा है, फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, तो मैं यही बोलूँगा कॉन्फिडेंट लेवल हाई रखो। ठीक है आपको ये बोलो कि भाई अभी मेरा दिन सही नहीं जा रहा है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कर लूँगा, आगे जाके मैं कर लूँगा, तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस ईमानदारी से काम होना चाहिए भाई, आप जो भी काम करते हो उसमें 101% ईमानदारी से काम करो, ये नहीं कि आप विश्वास आपको बनना तो है कि ये करना है मुझे, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट क्या कैसे मिलेगा। तो जो भी काम करते हो उसमें ईमानदारी से काम करो, 101% आपको काम करना है, भले आपको रिजल्ट अभी आप 101% काम में ईमानदारी से मेहनत करेंगे रिजल्ट 10% मिलेगा, आप 200% काम करेंगे रिजल्ट 20% मिलेगा, हो सकता है 1% भी मिल सकता है, लेकिन वो बराबर आप करते रहेंगे ना 6 महीना 1 साल, तब इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा।
देखो सपना बड़ा है भाई, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं बीमार हो गया था, मैं 3 साल बेड पे रहा, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल 0 हो गया था। मैं पहले से सोच रहा था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, जब 3 साल मैं बेड पे रहा तो सब 0 हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब रिकवर हुआ तो बिलीव अपने आप आया कि यार ये मेरा एक दूसरा जन्म और मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तभी मेहनत करते रहा, कॉन्फिडेंट अपने आप पर विश्वास आने लगा, यार मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, सच बता रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन विश्वास था कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा तो करना है, क्या करना है पता नहीं। तो ऑटोमेटिक रास्ता मिल गया, ऑटोमेटिक शेयर मार्केट आया, ट्रेडिंग आया, उसमें भी बहुत सारे फेलियर मिले, लेकिन काम करते रहा। और वैसे आपको भी काम करते रहना है, अगर आपको अभी आप ट्रेडिंग करते हो बार बार फेलियर मिलो, लेकिन ईमानदारी से काम करना करो, जो भी काम करते हो 100% आपको क्या करना है इसमें काम देना है 100%, क्योंकि इस फील्ड में आपको जो भी काम, अगर ट्रेडिंग कैरियर बनाना चाहिए तो उस फील्ड में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। जब तक मास्टर नहीं बनोगे तब तक आपको असफलता मिलेगा, मास्टर बन जाओगे सफल बन जाओगे। देखो अगर आप 6 महीना 1 साल आपको लग रहा है कि यार मैं इतना मेहनत किया रिजल्ट कुछ नहीं, आपको देखना जब आप इस फील्ड में मास्टर बन जाओगे ना भाई, 1 मंथ भी नहीं लगेगा आपको, जो 6 महीना में जो 1 साल में जो लॉस हुआ था आप 1 मंथ में उसको रिकवर कर लोगे। लेकिन मैं वही बोलूँगा, आपके लाइफ में हजारों प्रॉब्लम आएंगे, बस बिलीव रखो अपने आप पे और ईमानदारी से काम करते रहो, हर वो चीज़ पालोगे जो आप चाहते हो, सब आपके पास होगा। मैं भी अपने देखो, मैं भी जो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत छोटा सपना पूरा हुआ, लेकिन वो मैं जो चाह रहा हूँ मुझे पता वो एक नई दिन जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आप भी ईमानदारी से अपने लिए काम करो, अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, ईमानदारी से काम करते रहो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत नहीं आता यार, बड़ा सपना देखो तो बड़ा स्ट्रगल आएंगे, रिजल्ट किसी का तुरंत नहीं आता, 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, बस आपको उस फील्ड में मास्टर बनना है और मेहनत करते रहो, रिजल्ट जरूर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। इस वीडियो से क्या सीख मिला मुझे कमेंट करना, बस ऐसे वीडियो में लेके आता रहूँगा।